खेल विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण मंगलवार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया। मैच शुरू होने से पहले मुख्य अतिथियों ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच ITBP और इंडियन नेवी के बीच खेला गया। कबड्डी का फाइनल मुकाबला बड़ा ही रोमांचक था। शुरुआती दौर में ITBP की टीम पिछड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा वो इंडियन नेवी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाती गई और अंत में फाइनल मुकाबले को 54-42 के अंतर से जीतकर प्रतियोगिता की विजेता बनी। विजेता टीम को मुख्य अतिथियों ने पुरस्कार राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ITBP टीम को विजेता ट्रॉफी और 2,00,000 रुपये का पुरस्कार राशि, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली इंडियन नेवी टीम को ट्रॉफी और 1,00,000, तीसरे स्थान पर रही उत्तर प्रदेश की टीम को ट्रॉफी और 50,000 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को दे रहे हैं। वह पुलिस की भर्ती सहित अन्य विभागों में विजयी प्रतिभागियों को नौकरियों में विशेष व्यवस्था कर रही है। कार्यक्रम का समापन जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष और सांसद अयोध्या लल्लू सिंह, खेल मंत्री चेतन चौहान, खेल निदेशक RP सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर सत्या पांडे, नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, BJP महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य अतिथि और कबड्डी प्रेमी मौजूद रहे। पांच नाम दिया था, पूरा प्रांगण विभिन्न राज्यों से आए हुए दिल्ली, जॉर्ज रेंजमेंट, दिल्ली, वाराणसी का बात की थी, पटना एवं बिहार दिल का स्वागत एवं बंधन प्रशिक्षणों के आज के हम सबके दिखाइए गोरखपुर की गोरखनाथ बाबा की जय। फटी से ताली का अर्थ होता है हाथ, जबकि किडी का अर्थ होता है पकड़ना। इंडियन नेवी छापा, ये देखिए पकड़ ही गए। मेरा नाम आता पत्थर है, ले तू पत्थरो हम मार देंगे भाई। चला ना बेटे, आदित्यनाथ जी महाराज जी का स्वागत मंच पर होता हुआ। यह गौरवशाली भूमि धन्य है। प्रेरणा से आज के कार्यक्रम में अतिथि की भूमिका में मंच पर आगमन होता हुआ छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री
हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह का हम हृदय से गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से सादर अनुरोध है। देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्पार्चन होता हुआ अतिथि के रूप में पाकर के हमारी सब माननीय खेल मंत्री उत्तर प्रदेश चेतन चौहान सर से सादर अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह का भी स्वागत एवं अभिनंदन पुष्प तलिका के द्वारा स्मृति चिन्ह जब तक हवा में है संवहन शक्ति और कायम रहे आपका अस्तित्व इसी आकांक्षा के साथ होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में जनपद गोरखपुर में ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता जब दो रेट खाली जाता है तीसरे रेट पे पास करने का प्रयास और ये देखना है कितने अंक बहुत सुंदर देख बोनस प्लस दो अंक वाह भाई बहुत सुंदर जिन्होंने अपने रेट के बदौलत खेल का पासा पलटा है और वीर सिंह ने इसके पहले अपनी खूबसूरती से पूरा करा था। देखना क्या है आप लोग पीछे आइए निर्णायक अपना काम करेंगे खिलाड़ी पीछे आइए आप लोग ये भी रेफरी बहुत है थर्ड रेट है माननीय मंत्री माननीय सांसद चेतन सिंह परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन का यह अवसर मुख्यमंत्री के पद
मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय खेल मंत्री चेतन चौहान जी, अयोध्या के सांसद, उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री लल्लू सिंह जी, मेयर सीताराम जायसवाल, विधायक राधा मोहन दास, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, विधायक चौरी चौरा संगीता यादव और सभी विशिष्ट अतिथि, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 12 टीम के 170 अधिकारी ऑफिशियल और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में कबड्डी के प्रेमी, मैं आप सबको एक अच्छे आयोजन करने के लिए खेल विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और खेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पहली बार ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। आप बधाई के पात्र हैं और यही हमारी खेल, ये हमारी परंपरागत कबड्डी का जितना आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में इस प्रतियोगिता में इसका आकर्षण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है ग्रामीण अंचलों से निकलकर शहर में और मेट्रो सिटी में भी बड़े बड़े आयोजन इस बात को दर्शाता है कि यही हमारी परंपरा, यही हमारे खेल हैं और इसमें जो बल कौशल और आज जो प्रदर्शन मैंने देखा आईटीबीपी का और इंडियन नेवी का, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही शानदार, कैसे उलट पुलट हो सकता है ये आप लोगों ने दिखाया कि क्या परिवर्तन होता है। दोनों टीम को बधाई, विजेता आईटीबीपी को विशेष तौर से बहुत शानदार वापसी करने किया उन्होंने और इंडियन नेवी को भी बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज छत्तीसगढ़ से निकल के उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में आकर आपके बीच ऐसे प्रतियोगिता में शामिल हो रहा हूँ। मैं सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ओलंपिक गेम्स के लिए, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स के लिए, एशियन विश्व कप के लिए जो इनाम घोषित किए हैं वो बहुत ही बेहतर है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने लायक है, नई पीढ़ी तैयार करने के, रिटायरमेंट के बाद खिलाड़ियों को कैसे सम्मानित किया जा सकता है, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में खेल के बढ़ावा देने के लिए एक बहुत सार्थक कदम है। मैं उन्हें विशेष साधुवाद देता हूं और मुझे आपने यहां बुलाया, आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के आज के समापन कार्यक्रम में मुख्य यहां पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश सरकार में कैबिनेट में मेरे बड़े वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री चेतन चौहान जी, उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष माननीय सांसद अयोध्या से लल्लू सिंह जी, महापौर गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, डॉक्टर चंदेश पासवान जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती अंजू चौधरी जी, मैं खेल विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी की स्मृति में अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर में किया है और उसमें 12 टीमों ने भाग लिया। पिछले 4 दिनों से लगातार यहां पर कबड्डी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता संपन्न हो रही है और कबड्डी के माध्यम से धैर्यपूर्वक खेल भावना के साथ हम किस प्रकार से परिणाम में व्यापक उलट फेर करके जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ आईटीबीपी और इंडियन नेवी
कि इस खेल के माध्यम से हम सब ने ये देखा है। खेल की भावना केवल खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में भी जब हम इस टीम भावना के साथ धैर्य और शांत चित्त हृदय से किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होती है। इतनी बड़ी संख्या में यहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से टीम का आना और चार दिनों तक लगातार विभिन्न प्रकार के मैचेज यहां पर संपन्न होने के बाद फाइनल में आईटीबीपी का विजेता बनना, इंडियन नेवी का उप विजेता बनना, उत्तर प्रदेश की टीम ने तीसरे स्थान पर और एसएसबी चौथे स्थान पर इस पूरे आयोजन में यहां पर आई है। मैं इसके लिए इन सभी टीमों की प्रति हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने खेल में उन्होंने अनुभव किया होगा कि कहां पर कौन सा दांव लगाने पर उन्हें कौन सी विजय और कौन सा अंक उपलब्ध करा सकता है। यह भाव जब लेकर के हम लोग चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से खेल के मैदान में विजय श्री सदैव आपके चरणों को चूमती हुई दिखाई देगी। जाइए धीरे से जाइए। खेल विशुद्ध खेल भावना के साथ होना चाहिए। यहाँ पर आज जब हम लोग खेल के बारे में यहाँ पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर पहले हमारे खेल मंत्री ने भी बताया कि हमने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खेलो इंडिया खेलों के नाम पर इस देश के गांव में छोटे से कस्बे में भी निवास करने वाले उन युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर 30 खेलों में 537 प्रशिक्षित प्रशिक्षक इन खेलों से संबद्ध हैं। 75 जनपदों में 66 जनपदों में 71 स्टेडियम, 7 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 38 छात्रावास भवन, 15 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डार्मेंट्री, 9 कुश्ती हॉल, 5 शूटिंग रेंज, 8 सिंथेटिक हॉकी मैदान और 2 फ्लड लाइट युक्त सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम और 10 स्टेडियम में आधुनिक जिम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओलंपिक में एकल टीम के किसी भी सदस्य को स्वर्ण पदक जीतने पर सरकार 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को जो ओलंपिक में प्रतिभाग करता है उसको प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए की सहायता अपने स्तर पर उपलब्ध कराती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर एकल खिलाड़ी को 50 लाख और टीम को 30 लाख, रजत पदक में 30 लाख और 15 लाख, कांस्य पदक में 15 लाख और 10 लाख और प्रतिभाग करने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार उस खिलाड़ी को उपलब्ध कराती है। एफ्रो एशियन और विश्व कप में टीम को 30 लाख, एकल को 15 लाख, एकल को 15 लाख और टीम को 10 लाख उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वर्ण पदक विजेता को, रजत पदक को 10 लाख और कांस्य पदक को 8 लाख ये सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जा रही है।
साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर 3,11,000 रुपए की सहायता के साथ ही अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं हम लोग प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों यहां के जवानों में खेल की भावना और मजबूत हो सके, प्रदेश सरकार ने पुलिस की भर्ती में खिलाड़ियों को विशेष आरक्षण देने की भी व्यवस्था कराने का निर्णय लिया है। मिस्टर आकाश तिवाल, मिस्टर विपुल, मिस्टर संदीप कुमार, मिस्टर जयप्रकाश, मिस्टर देवेश तिवारी, कोच अरविंद कुमार पांडे, मैनेजर अरुण कुमार, यह पूरी टीम में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के समापन सत्र तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश मिस्टर मोनू, मिस्टर अंकित, मिस्टर विकास, मिस्टर अमित, स्वर्णिमा सर गौरवशाली क्षण गौरव पुत्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पावन रनर अप टीम को पुरस्कृत करते मिस्टर पंकज, मिस्टर विजय, मिस्टर कुमार सिंह, मिस्टर सुनील, मिस्टर अनिल, मिस्टर सोनू कुमार, मिस्टर राजवीर, मिस्टर विजय, मिस्टर वीर सिंह, 12 सदस्यों की यह टीम विद कोच मिस्टर संजीव कुमार, सहायक कोच मिस्टर रजनीश, मेडल एवं 2,00,000 रुपए के चेक के साथ कैश प्राइज के साथ विनर टीम के लिए एक जोरदार तालियां। गोरखपुर की इस पावन धरा पर आप विजयी होकर के चार हरियाणा बीएसएफ नई दिल्ली सीआरपीएफ भोपाल अगर वर्ष की टीम डीजी रुड़की की टीम आईटीजीपी दिल्ली की टीम एसएसबी फरीदाबाद की टीम पटना अभिनंदन आशा है विश्वास है कि